Hi everyone, this is Alisha Mahajan from Unacademy. Hope you are doing well. In this lecture video, I will be covering the second part of the higher education. Second part, higher education. In the lecture video, we have done a lot of committees. Now, we will continue it. Okay? So, write it in a rough way, in your style, so that you will also revise quickly. So, next committee is Yash Pal Committee. Okay? What did they say? What will we do? कि सबको एक बार सारी एजुकेशन सिस्टम को जो हायर एजुकेशन है प्राइमरी है सबको एक बार स्क्रैप करेंगे और दोबारा से इसको ना अच्छे से फॉर्मुलेट करेंगे ठीक है सुपर रेगुलेटर बनाएंगे और इन्होंने इस एजुकेशन में बेसिकली क्या करना चाहा सेवन मेंबर क्या बनाना चाहा CHER आपको पता CHER की फुल फॉर्म भी मैंने आपको पूछी थी क्या थी कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च Write it down. Commission for higher commission. This is for C. Commission for higher education. HE and research. ठीक है. So ये बनाने के बारे में इन्होंने सोचो. So और इसके अंदर ये बताया गया हमने जो deemed university का status था ना. ठीक है. उनको क्या किया जाए? Abandon किया जाए. बंद किया जाए. इस particular point के लिए. और ज़्यादा हमारा किसके ऊपर बेसिकली फोकस होना चाहिए इस पर्टिकुलर अप्रोच के अंदर यू कैन राइट इट डाउन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ एफिलिएशन ऑफ कॉलेज ऑन यूनिवर्सिटीज एंड कहते यूनिवर्सिटीज पर ये बर्डन हटा दो एफिलिएशन देने का ये सब ठीक है और एजुकेशन में कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए या ये सारे पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि आपको कैसे एफिलिएशन मिलेगी जैसे GRE ठीक है GRE के ऊपर एग्जाम है ये है ना SAT का एग्जाम होता है TET का एग्जाम होता है देयर आर सो मेनी थिंकिंग ठीक है जिससे आई मीन टू से सो मेनी हम कह सकते हैं टेस्ट होते हैं उनके बेसिस पर ये होना चाहिए ठीक है और इसके बाद अब हम ये तो हो गया हमारा पोस्ट वाला भी अब प्रेजेंट फ्रेमवर्क क्या है प्रेजेंटली क्या क्या चीजें होती हैं अब ये समझेंगे हम ठीक है प्रेजेंट सिस्टम में आपको पता है यूजीसी है अब उसको भी रिप्लेस कर दिया है एनटीए ने एनटीए अब सीबीएसई से रिगार्डिंग जो भी सारे टेस्ट वगैरह जो भी सारे चीजें होंगी वो कंडक्ट करेगा ठीक है और या स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने का इसके अंडर ये होता है ठीक है काउंसिल्स सारी सारी आपको याद करनी पड़ेंगी इसके अंदर AICTE MCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया ठीक है This is also very 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 important and ये भी बोला गया है अब कि हम बहुत सारे क्या लेंगे efforts लगाएंगे ताकि हम education पर हमारा जो basically GDP है ना अपना GDP है हमने पहले देखा ना कि हमारी income का 6% होना चाहिए कहते और 4% बढ़ा दो ठीक है और 4% बढ़ाने के बारे में सोचा गया है कि हम अपनी GDP का और ज़्यादा work करेंगे ठीक है तो बेसिकली पहले ये क्या था पहले सिर्फ ये 2% था GDP का अब कहते 4% और बता दो टोटल कितना कर दो 6% तो हमने पहले भी डिस्कस करा है कि इनकम का नेशनल इनकम का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% जो है वो एजुकेशन पर जाना चाहिए ठीक है लेकिन अब आपको पता अभी तक कितना है ये 6% भी 6% का क्या 1% भी नहीं है 0.7% खर्चा होता है क्योंकि जब मतलब चाय वाला ही होगा तो क्या पढ़ाई को इतनी इम्पोर्टेंस देगा सो कह सकते हो कि बहुत बुरे हाल है अभी फिलहाल हमारे एजुकेशन सिस्टम के ठीक है सो इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये भी आपको पता होना चाहिए टोटल 350 अराउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं ठीक है उसमें से 1500 यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करना है ठीक है एंड अपनी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 30% तक लेकर आना है बाय 2030 2015 तक कितना था 15% लेकर आना अब भी कितना है प्रेजेंटली 25.2% लेकर कितना आना है 30% तक ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए ठीक है लेकर कितना आना है 30% तक अभी कितना है 25.2 पिछले साल कितना था 24 point something ठीक है इसके बाद आपको बाकी सारी चीजें पता होनी चाहिए हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यूजीसी और ये सारे जो बॉडीज हैं इनको हम एक एक करके अब एक्सप्लेन करेंगे ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो या
सो हेडिंग डाले हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कब आई थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? स्टैट्यूटरी बॉडी ये कब बनी? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर कब आई? ठीक है, सो यूजीसी का बेसिकली क्या होता है, सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टैंडर्ड्स वगैरह मेंटेन करना, ठीक है, सारा डिसबर्स फंक्शन करना। डिसबर्स फंक्शन का मतलब होता है ग्रांट्स जो देनी होती है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट यूनिवर्सिटीज को, सबको। यहाँ पर जो ग्रांट देने का काम होता है वो भी यूजीसी का होता है, ठीक है। इसके चेयर, इसके अंदर क्या आता है, चेयरमैन, वन चेयरमैन, वन वाइस चेयरमैन एंड 10 और मेंबर्स होते हैं जो कि री अपॉइंट किए जाते हैं बार बार, ठीक है। और इनके कहाँ पर है, 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, यू कैन राइट इट डाउन, 6 रीजनल ऑफिसेज, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कौन कौन से है 6 रीजनल ऑफिसेज, कहाँ कहाँ है? बैंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे। बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, ठीक है। और आप सबको पता है पहले पुराने, ये तो अब यूजीसी आई है ना, तो कोई पूछे एंशियंट टाइम पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज चलती थी तो आप बता सकते हैं, नालंदा, नालंदा, तक्षशिला, विक्रम शिला, विक्रम शिला। सो ये यूनिवर्सिटीज जो थी ये पहले थी, ठीक है। और किन कंट्रीज की थी ये? ये कोरिया, चाइना, बर्मा, ठीक है, जो कि आप श्रीलंका जिसे बोला जाता है, तिब्बत, नेपाल, ठीक है। लेकिन अब इंडिया ही है जो लार्जेस्ट जो एडुकेशन है उसको मैनेज करता है, ठीक है। लार्जेस्ट एडुकेशन सिस्टम हमारा किसको ये बोला गया है? इंडिया को बोला गया है कि इंडिया उसको मैनेज करता है, ये याद रखना है। तो इसके अलावा हम क्या याद कर सकते हैं? रीजनल ऑफिसेज आपको मैंने बता दिए हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड यस, स्कीम्स क्या है? स्कीम्स क्या, ये रीजनल ऑफिसेज जो है वो कौन कौन सी स्कीम्स को वो रन करते हैं, तो पता होना चाहिए आपको। एफिलिएशन देना किसी सिंपल कॉलेज को स्टेट कॉलेज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट में ये काम करते हैं, ऑटोनमस कॉलेजेस का ध्यान रखते हैं, सेमिनार सिंपोजियम करवाने का काम करते हैं, फेलोशिप्स देते हैं, फेलोशिप तो आपको पता ही है JRF जो मिलता है, ठीक है। हैंडीकैप ब्लाइंड लोगों को, इन सबको असिस्टेंस दी जाती है, ठीक है। और बेसिकली ये हर हर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में इनके कौन से रीजन्स है वो भी आपको पता होने चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रीजनल ऑफिसेस। सो साउथ ईस्टर्न रीजनल ऑफिसेस में हमारा क्या आ जाता है? हैदराबाद आ जाता है, हैदराबाद, वो याद रखना है। और नॉर्थ नॉर्दर्न में क्या आ जाता है? दिल्ली आ जाता है, ठीक है, दिल्ली आ जाता है। ईस्टर्न में क्या आ जाता है हमारा? कोलकाता आ जाता है, ठीक है। और साउथ ईस्टर्न में, साउथ ईस्टर्न में हमने बोल दिया कि प्रॉपर हैदराबाद है, नॉर्थ नॉर्दर्न में हमारा दिल्ली है, और ईस्टर्न में हमारा कोलकाता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद आपको बेसिकली क्या पता होनी चाहिए? टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पहली हमारी क्या आती है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल बैंक एक्ट के अंदर आती है। फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट एक्ट के अंदर आती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी एक्ट के अंदर आती है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये स्पॉन्सर्ड बॉडी होती है बेसिकली, और ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर ये बनी थी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी इसे बोला जाता है। मतलब कईयों को लगता है डीम्ड टू बी और डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग है, कोई अलग नहीं है, सेम है। ये हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेसिकली,
इनको भी हम करेंगे। अब भी सबसे पहले क्या करते हैं, ये सारी रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास 390, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं 124, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं 48 एंड प्राइवेट 307। ठीक है, ये याद रखना आपको। और यस, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए। एनटीए का डायरेक्टर जनरल कौन है, ठीक है, और उसे कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, देखो गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करता है, ये फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बॉडी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, CBSE के फॉर्मर चेयरमैन को ये बनाया गया है, ठीक है, एज फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए। फर्स्ट डायरेक्टर, क्योंकि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कौन थे ये, विनीत जोशी, नाम क्या है इनका, VINET, विनीत जोशी। विनीत जोशी को अपॉइंट किया गया, 5 साल का टेन्योर होगा इनका बेसिकली। ठीक है, IAS ऑफिसर रहे हैं ये मणिपुर के। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है, और इन्होंने बहुत एक बड़ा चेंज लाए हैं एडुकेशन में, क्या करके, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, और 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन ऑप्शनल बनाकर, 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑप्शनल बनाकर उसे, ठीक है, याद रखना है। CCE का प्रोग्राम, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है CCE, जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर लर्निंग ऐप पर देख सकते हैं, बट इज द फंक्शन ऑफ CCE एंड दिस। ठीक है, टाइम मिला तो ये भी करवा दूंगी, डोंट वरी। अब हम करते हैं NTA। NTA का आपको पता है क्या है, NTA को किसने रिप्लेस किया, NTA ने किसको रिप्लेस करा है, UGC को। और अब ये क्या क्या करेगा, एक तो ये UGC के ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा, एक नीट के एग्जामिनेशन होता है वो भी नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट। बेसिकली अगर किसी को मेडिकल कॉलेज में जाना है या फिर हम कह सकते हैं डेंटल, मतलब ठीक है, और ये डॉक्टर्स वगैरह का वो नीट आ जाता है, उनका उनका UG होता है, ठीक है, प्रोग्राम। उसके अलावा JEE एडवांस मेन, उसकी उसके लिए भी ये कंडक्ट करेगा, ठीक है, ये 2019 को ही बोला गया है ये कंडक्ट करेगा, सो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको ही होती है ये। उसके अलावा हमारे अंदर अब ये देख लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं, ये किसके अंदर आती हैं, ये किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर, MHRD के अंदर, MHRD साथ साथ लिख लीजिए, ठीक है, एंड 48 यूनिवर्सिटीज है, आपको पता लग गया है। स्टेट यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज का मतलब होता है, अब ये देखो इनका ना हम फीचर्स कर लेते हैं, सेंट्रल तो चलो आपको पता ही है कम ही है, स्टेट यूनिवर्सिटीज के फीचर्स कर लेते हैं हम। ये एडमिशन इनका अपना प्रोसीजर होता है, एडमिशन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से नहीं पूछते, तो पहला हेडिंग लिख लीजिए एडमिशन अपनी, सेकेंड लिखे डिग्रीज अपनी, डिग्रीज भी खुद देते हैं ये, एग्जामिनेशन भी अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, एग्जामिनेशन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से नहीं पूछते, अपने अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन लेते हैं, सिलेबस भी अपना डिसाइड करते हैं। इसके बाद आती है हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हेडिंग डाले, ठीक है, इनको ऑटोनॉमी पूरी फ्रीडम दी हुई है, ठीक है, MHRD ने ऑन द एडवाइस ऑफ UGC, तो ये क्या करते हैं पूरी इंडिपेंडेंस इसको ये करते हैं। और यहाँ पर भी सेम चीज है, अपना कोर्सेज खुद डिसाइड कर सकते हो, एडमिशन खुद डिसाइड कर सकते हो, फीस खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, एंड ये है कि डीम्ड अभी प्रॉपरली यूनिवर्सिटीज नहीं होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का ये है अगर ये अच्छे से काम करते रहेंगी, कॉन्टिन्यूसली अच्छे से काम करती रहेंगी, तो इन्हें हम क्या दे देंगे, फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी का स्टेटस इनको मिल जाता है, ठीक है, याद रखना। और ये कई बार जो बेसिकली डिग्रीज है वो दे भी सकती है, कई बार नहीं भी दे सकती है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्या है, बेसिकली
याद रखना है, इनके जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है ना, उनके ऑफ कैंपस कॉलेजेस भी होते हैं। जैसे होते हैं ना प्राइवेट डिग्री हमें डिस्टेंस एजुकेशन पर मिल जाती है, वो बाकी जगहों पर नहीं होता। सो जो ऑफ कैंपस इनका बेसिकली क्या बाकियों से अलग है, ऑफ कैंपस एजुकेशन भी ये दे देते हैं। मतलब कि अगर किसी ने डिस्टेंस एजुकेशन करना है, वो सब करना है, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आराम से हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना, आपको एफिलिएशन मिल जाता है आराम से इनको। ठीक है, और हाँ, उनका जो बेसिकली स्टेट यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं, उनका चांसलर हेड होता है। इनका जो हेड होता है वो है, वो इसको प्रेसिडेंट हेड करता है, प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन। ठीक है, यूनिवर्सिटी उन यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट और क्या कह सकते हैं, चेयरपर्सन। ठीक है, और ये भी एडमिशन कर सकते हैं, सिलेबस अपना डिसाइड कर सकते हैं, अपनी स्ट्रीम्स डिसाइड कर सकते हैं, डिग्रीज अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ऑटोनमस ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन। ऑटोनमस ऑटोनमस के अंदर क्या आता है, इनको भी पूरी फ्रीडम दी जाती है, अपना सारा कुछ ये डिसाइड करे। ठीक है, और हाँ, बट ये है ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ये बेसिकली डिप्लोमास भी दे सकते हैं। जैसे ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन, अब हम कहें कि क्या क्या ये डिप्लोमा करवाते हैं कि डिग्रीज करवाते हैं, अगर कोई पूछे आईआईएम एक डिग्री है कि डिप्लोमा है, तो आपको ये बताना चाहिए इनमें कोई डिग्रीज नहीं मिलती है, ये हमारे डिप्लोमाज होते हैं। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईएम्स हो गए, आईआईटीज हो गए, तो याद रखना। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है, बिल बनाया है कि ये भी अपनी डिग्रीज देना शुरू करेंगे। अभी तक इनको डिप्लोमा के अंदर रखा जाता है कि डिप्लोमास करवाते हैं, लेकिन कहते हैं बिल पास हुआ हुआ है, मतलब बिल पास, बिल इम्प्लीमेंट ही हुआ आई मीन टू से, कि इसको आगे प्रोसेस में है, आगे चलकर ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जो है वो डिग्रीज देना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, सो अभी तक ही अपनी डिग्रीज और बेसिकली डिप्लोमास नहीं इशू करते हैं। ठीक है, ज्यादातर एफिलिएटेड कॉलेजेस ही करते हैं। ठीक है, याद रखना आपको। सो आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और हमारा ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज में। तो राइट इट डाउन, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ऑटोनोमस एंड प्राइवेट, इन तीनों में डिफरेंस एक बार करवा देती हूँ। ठीक है, तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है, अपना सिलेबस खुद डिसाइड कर लेती हैं। ठीक है, ये भी प्राइवेट वाली भी अपना सिलेबस खुद डिसाइड कर देती हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनको कोर्सेज, सिलेबस ज्यादा फ्रीडम है, ऑटोनोमस वालों को ज्यादा फ्रीडम है, याद रखना। यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री दे सकते हैं। ये जो है यहाँ पर एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज देती हैं। ठीक है, और बेसिकली इनको डिग्रीज ये नहीं दे सकती। ठीक है, ये डिग्रीज नहीं दे सकती है, और ये डिग्रीज दे सकती है प्राइवेट, लेकिन यूजीसी के अप्रूवल के बाद। यूजीसी जितनी देर तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कोई नई डिग्री देने के लिए बोलता नहीं है, मतलब कोई अगर समझो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कोई नई डिग्री या कोई नया कोर्स लॉन्च करना है, तो पहले यूजीसी की परमिशन चाहिए, फिर ये डिग्री दे सकते हैं। ये जो डीम्ड होती है वो दे सकती है। ये पूरी इनको ऑटोनॉमी है अपना डिग्री, मतलब ये सारा कुछ डिसाइड करने का। ठीक है, इनको भी अपने डेली ऑपरेशन, सिलेबस, एडमिशन करने का है। इनको ज्यादातर यूजीसी के रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, याद रखें। ठीक है, इसको कौन ऑटोनॉमी ग्रांट करता है, इनको ऑटोनॉमी ग्रांट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डीएचई, एमएचआरडी। ठीक है, एडवाइस ऑफ यूजीसी, यूजीसी की एडवाइस पर। ठीक है, ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, ये तो इनको फ्रीडम है ना, इनको ऑटोनॉमस वालों का क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन रखता है, इनको एमएचआरडी, एमएचआरडी इन पर रखता है। ठीक है, और ये यूजीसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये यूजीसी, इनका ज्यादातर यूजीसी यूजीसी वर्डिंग देख रहे हैं ना, तो ये यूजीसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, याद रखो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी करने वाली, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं, और आपको और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हायर एजुकेशन के डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, दिस वॉज ऑल अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ द डे। थैंक यू।